वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वादी मनीष यादव ने श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह मस्जिद का कोर्ट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराने की मांग की है। प्रार्थी मनीष यादव, महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश शर्मा ने अलग अलग एक ही तरह की याचिका लगाई थी, जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके ईदगाह मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाने की मांग की गई थी। इस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी वादियों को एक ही तारीख यानी 1 जुलाई दी गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव के वकील देवकी नंदन शर्मा का कहना है, ईदगाह के अंदर जो शिलालेख है उन्हें दूसरे पक्ष द्वारा हटाया जा सकता है और एविडेंस को नष्ट किया जा सकता है। दोनों पक्षकारों की मौजूदगी में वहां की फोटोग्राफी कराई जाए और सभी तथ्यों को जुटाया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 1 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि इस मामले में एक और वादी महेंद्र सिंह का कहना है कि उन्होंने सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में 24 फरवरी 2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई थी। वहीं शाही ईदगाह मस्जिद के वकील तनवीर अहमद का कहना है कि वादी पिछले 2 वर्षों में विभिन्न प्रकार के प्रार्थना पत्र देते रहते हैं। उन्हें खुद मालूम नहीं है कि वह आखिर कहना क्या चाहते हैं। मथुरा में दोनों के धर्म स्थल अलग हैं। वीडियोग्राफी की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गौरतलब है कि ईदगाह मस्जिद को लेकर अब तक 10 वाद मथुरा कोर्ट में दायर है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को गुरुवार को श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामले में अहम निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया था कि अधिकतम 4 महीने में सभी अर्जियों को निपटारा किया जाए। साथ ही सुन्नी फक वोट के व अन्य पक्षकारों की सुनवाई शामिल न होने पर एक पक्षीय आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया था। इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई 6 मई को पूरी हो चुकी है। सेशन जज राजीव भारती ने कहा कि वे इस मामले में 19 मई को फैसला सुनाएंगे। श्री कृष्ण विराजमान की भक्ति होने का दावा करते हुए रंजना अग्निहोत्री और 6 अन्य पिछले साल 25 सितंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन के अदालत में 13.37 एकड़ जमीन के हिस्से पर बनी या शाही मस्जिद ईदगाह को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।